एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला, और आज मैं आप लोग के लिए लेके आए हैं टॉप 10 बायोलॉजी एमसीक्यूज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी? तो फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल। और जो थियोफ्रेस्टस थे, ये हैं फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी मीन्स प्लांट्स, ये इसमें, और जूलॉजी मीन्स एनिमल्स। और अगर बात करें बायोलॉजी के फादर, ना जूलॉजी ना बॉटनी, तो बायोलॉजी के हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। और लमार्क एंड ट्रेवेरस ने बायोलॉजी टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यूकैरियोटिक सेल हैव दैट प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट? तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर होता है न्यूक्लियोइड रीजन, तो होता है न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियस नहीं होता है। और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में भी, राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन बस यूकैरियोटिक में होता है 80S टाइप का और प्रोकैरियोट्स में होता है 70S टाइप का, लेकिन होता दोनों में है, डीएनए भी दोनों में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 13 चैम्बर्ड हर्ट ऑकर्स इन? तो पाया था इन केस ऑफ कॉकरोच, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लैनेटा अमेरिकाना, प्लैनेटा अमेरिकाना। क्वेश्चन नंबर फोर, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो होता है इनेमल, टूथ इनेमल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल्स? तो वो होते हैं अर्थ वॉर्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फेरेटिमा, फेरेटिमा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन? तो जो वॉलवॉक्स होता है, ये होता है एल्गी, स्पेशली ग्रीन एल्गी, पेनिसिलियम और एगेरिकस ये होते हैं फंगाई। जो नॉस्टोक है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो होता है एब्सेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बोन डिफॉर्मिटीज ऑकर ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ? तो वो होता है ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोरीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर एट, द फिनोमेना ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड? तो समर स्लीप कहते हैं एस्टिवेशन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। तो स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? तो इट इज द स्टडी ऑफ सीड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और इसमें ही दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों ही, दोनों ग्लैंड होते हैं, थायरॉइड भी और एड्रेनल भी। सो यहाँ पे ये सब है एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन स्प्लीन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉप 10 क्वेश्चंस को लेके आएंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।